समुद्र के कचरे से बन गई करोड़पति, आइए जानते हैं इसके पीछे की असलियत। असलियत जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता है, कब किसकी किस्मत पलट जाए किसी को पता नहीं होता है। लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं और गरीब भी बनते देर नहीं लगती है। ये मामला है एक लड़की का। लड़की की रातों रात ऐसी किस्मत बदली जिसके बारे में उस लड़की ने भी कभी सोचा नहीं होगा। इस लड़की का किस्सा अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये महिला मलेशिया की रहने वाली है और अपना घर समुद्री मछली कर चलाती है। एक दिन मछली पकड़ते पकड़ते एक ऐसी चीज उसके हाथ लग गई जिसकी वजह से उसे अब कभी मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस महिला का किस्सा जो भी सुन रहा है वो हैरान रह जाता है। खुद महिला को भी अपनी बदली किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये कहानी है मलेशिया की रहने वाली एडा जुरीना लॉन्ग की, जिसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी भी जिंदगी बदल सकती है। ये महिला अपने परिवार के साथ मछली पकड़ती थी, इन मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच देती थी, जो पैसा मिलता उसी से इनका गुजारा होता था। हाल ही में जब ये महिला अपने परिवार के साथ मछली पकड़ने गई तब उसे समुद्र में एक प्लास्टिक नुमा कचरा मिला। उन्होंने सोचा कि ये कोई कचरा का थैला होगा और जो तैर रहा है। उस महिला ने कचरा समझकर पानी से उसे बाहर निकाला और उसे फेंकने के लिए ले गई। इस महिला को ये पता नहीं था कि ये एक खजाना है। महिला जिसे कचरा समझ रही थी वो दरअसल व्हेल मछली की उल्टी थी। जब उसको ये पता चला कि ये कचरा नहीं बल्कि मछली की उल्टी है तो वो हैरान रह गई। सच जानने के बाद जब वो इसे फेंकने जाने लगी तो उसके पिता ने उसको बताया कि मछली की उल्टी बहुत कीमती होती है। इसके बारे में उसके पिता ने सुन रखा था लेकिन कभी देखा नहीं था। ये घटना आपको कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।